हेलो एवरीवन, आज हम पनीर की बहुत ही इजी टू मेक करी बनाएंगे जो बहुत ही खाने में टेस्टी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 टीस्पून घी लिया है। इसमें मैंने थोड़े से कैश्यूज और मखानों को सौते किया है जब तक कि वो थोड़े से लाइट ब्राउन को हम मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे सौते करेंगे। फिर हमने 2 टीस्पून घी लिया है, उसमें हमने स्लाइस्ड की हुई कैप्सिकम को सौते करेंगे 5 to 7 मिनट्स अराउंड। फिर उसके बाद हमने जो पनीर के क्यूब्स बनाए हुए थे वो हम लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और कसूरी मेथी को डालेंगे। इससे इसमें अच्छी सी इसकी कोटिंग हो जाएगी और इसका टेस्ट एंड फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसको हम सौते करेंगे 5 मिनट्स के लिए। ये हमारी ऐसी करी है, थोड़ा सा हमारे घर में ग्राउंड हो जाएगा, सामान होता है और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं। अब हमने 2 टीस्पून घी लिया है, इसमें अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, फिर थोड़ा सा जीरा डालेंगे, फिर हम इसमें 4 बड़े साइज़ के स्लाइस्ड अनियंस हैं उनको सौते करेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे सौते करेंगे जिससे वो लाइट ब्राउन रहे, इसको हम ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। जब थोड़े से अनियन हमारे सौते हो जाएं, फिर हम इसमें स्लाइस टोमेटोज़ डालेंगे। इसमें हमने 4 टोमेटोज़ लिए हैं, वो भी हमने स्लाइस करके, आप इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। फिर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, थोड़ा इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार आप डालें इसके अंदर। इन सभी को अच्छी तरह मिला के हम इसको 5 मिनट्स के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह पकाएंगे। आफ्टर 5-7 मिनट्स आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला अच्छी तरह भुन गया है और इस ये बहुत ही सॉफ्ट सा हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप जो मलाई घर की होती है हमारी, वो या फिर क्रीम डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और मैंने इसमें 1/2 कप दूध भी डाला है, इससे हमारी ग्रेवी की थिकनेस बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत ही रिच लुक आता है इसके अंदर। इसको हम 5 to 10 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह मिक्स करेंगे जिससे कि हमारे मसाले इसमें अच्छी तरह मिल जाएं। फिर इसके बाद जो हमने पनीर रखा हुआ है सौते किया हुआ, उसको डालेंगे। फिर हम आप देख सकते हैं देखने में सब्ज़ी कितनी टेस्टी लग रही है और इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, जो हमारे पास घर में अवेलेबल था हमने वही डाला है। फिर मैंने इसमें 1/2 कप पानी भी डाला है और कसूरी मेथी, इससे हमारी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी आती है। अब हम इसके बाद जब ये थोड़ा हम सौते कर लेंगे, थोड़ा पानी कम हो जाएगा, फिर हम इसमें जो हमारे मखाने हैं और जो कैश्योज हमने भून के रखे। वाह, हमारी पनीर करी रेडी हो गई है। इसको आप चाहें तो रोटी के साथ सर्व करें, चाहें तो राइस के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, गिव योर लाइक एंड सब्सक्राइब।